डॉक्टर अरविंदर सिंह, दिल्ली के मुख्यमंत्री के इन बातों को आप कैसे देखते हैं, और दिल्लीवासी नहीं देशवासी आज आपको सुन रहे हैं, हम सबको सुन रहे हैं, कैसे इस स्थिति को आप आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि जो कोविड की बीमारी है बहुत तेजी से फैल रही है, नंबर्स बहुत तेजी से इंक्रीज कर रहे हैं, और मेरे दो सुझाव हैं इस सिचुएशन। सबसे पहला ये कि जिसको कोविड टेस्ट पॉजिटिव आए वो परेशान ना हो, वो पैनिक ना करे। अगर उसको माइल्ड डिजीज है या एसिम्प्टोमेटिक डिजीज है तो वो घर पे ही रहें। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि कम से कम 20-30% जो बेड है वो उन लोगों से ऑक्यूपाइड है जिन्हें अस्पताल रहने की जरूरत ही नहीं है। तो आप खुद ही सोचिए, 20-25% से ये कैपेसिटी इमीडिएटली बढ़ सकती है। लेकिन डॉक्टर, ये कोई कैसे तय करेगा कि उसको हॉस्पिटल जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। कोई 60 प्लस है, कोमॉर्बिड है और उसकी हालत अभी सही है, लेकिन क्या उसको ये पता होगा कि अगले दो दिन में उसको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ने वाली है या नहीं पड़ने वाली है? वो कैसे तय करेगा, और जब पड़ेगी तो क्या उसको तुरंत उस वक्त इस हालत में बेड या आईसीयू मिल पाएगा? तो गौरव जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। अब ऐसा है कि जो मेन अस्पताल हैं, सारे अस्पताल हैं जो गवर्नमेंट के हैं या प्राइवेट हैं, वो एक ऑनलाइन रिमोट केयर सर्विस चला रहे हैं। कुछ नंबर्स हैं, कुछ डॉक्टर्स हैं जो ऑनलाइन एडवाइस देते हैं। तो अगर आप किसी अच्छे फिजिशियन से ऑनलाइन एडवाइस ले रहे हैं और भगवान न करे आपको अस्पताल में जाने की बेड की जरूरत पड़ती है, तो वो थोड़ा प्रोसेस स्मूदन हो जाता है। क्या सिम्टम्स हैं, क्या लक्षण हैं जिसकी वजह से आप अस्पताल जाने के लिए सोच सकते हैं, वो ये है कि अगर आपको सांस चढ़ रहा है या छाती में दर्द है या बुखार, तेज बुखार 7 दिन से ज्यादा चल रहा है या ऑक्सीजन सैचुरेशन 94 से कम है, या अगर वॉमिटिंग डायरिया इतना है कि डिहाइड्रेशन हो रहा है, कुछ भी आप खा पी नहीं पा रहे हैं, तो ऑफकोर्स आईवी लाइन लगाना पड़ेगा। इस सिचुएशन में अस्पताल जाने की जरूरत है। अगर आप रिमोट केयर किसी भी फिजिशियन के थ्रू करते हैं और इसमें कई 100 नंबर ऑनलाइन अवेलेबल हैं, तो आपको एक तरह का एक चैनल बन गया है कि पहले ऑनलाइन केयर होगी और अगर अस्पताल जाने की जरूरत पड़े तो फिर आप अस्पताल में भर्ती हो सकते हैं। वो एनीवे अगर आप किसी भी अस्पताल में ऐसे जाएंगे तो 2-3 दिन से पहले आप भर्ती ही नहीं हो पाएंगे, लेकिन अगर आपका ये प्रोसेस रहेगा तो उसमें थोड़ी सहूलियत हो जाती है, थोड़ा स्मूदन हो जाता है। लेकिन फिर भी हालात ऐसे हैं कि लोगों को बेड मिलने में दिक्कत हो रही। देखिए, वस्तु स्थिति ये, डॉक्टर साहब, रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए फोन आते हैं, बेड्स के लिए फोन आते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए फोन आते हैं, और ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है। जी सर, कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं दूसरी चीज ये बताना चाहूंगा कि रेमडेसिविर के लिए इतना क्यों लोग लड़ रहे हैं। रेमडेसिविर इज नॉट अ लाइफ सेविंग ड्रग। ये तो डॉक्टर बताएंगे ना, डॉक्टर ही कहता है रेमडेसिविर लेकर आओ। हम कह रहे हैं ना आपको, रेमडेसिविर का जो पर्पस है वो है कि जो डिजीज की ड्यूरेशन ऑफ रिकवरी है, अगर 10 दिन की बजाय 7 दिन हो जाती है तो अगर मिल जाता है तो ठीक है, लेकिन ये जाने का सवाल नहीं उठता है रेमडेसिविर से। दूसरी चीज ये है कि लोग प्लाज्मा थेरेपी के लिए बहुत परेशान हो रहे हैं। प्लाज्मा थेरेपी भी ICMR ने एक स्टडी की थी, NEJM में एक स्टडी आई थी, दोनों स्टडीज में ये पता लगा है कि प्लाज्मा थेरेपी का ज्यादा रोल नहीं। लेकिन सर, जिसके घर का कोई रोल है आईसीयू में बेड पर सांसें जो गिन रहा हो, मतलब उसको पता नहीं कि उसका क्या होगा, तो वो तो हर कुछ ट्राई करता है, चाहे प्लाज्मा हो चाहे रेमडेसिविर हो। आपकी बात मुझे लगता है अगर लोग समझ जाएं, आपकी बात लोगों के दिमाग में उतर जाए, मेंटली वो इतने अपनी नर्व को वो इतनी स्टील की बना लें, तो मुझे लगता है कि कोरोना से पार पाना बहुत और थोड़ा हमारे लिए आसान होगा। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।